हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हमने बनाई है चॉकलेट इडली रेसिपी। यह दिखने में बहुत ही स्पॉन्जी एंड बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चलिए इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। हमने यहाँ 3 टाइगर के बिस्कुट और 1 डेरी मिल्क चॉकलेट लिया है। बिस्कुटों को रैपर में से बाहर निकाल लेंगे सबको। ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो मेरे बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ी थी कि आप ये चॉकलेट इडली बनाइए। तो मैंने इन्हें अब देखो पीसेस में कट कर लिया है, तोड़ लिया है। अब इसको मैं इस मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड करूँगी। हमने मिक्सी जार में बिस्कुटों को डाल लिया है और हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब देखिए हमारे बिस्किट ग्राइंड हो रहे हैं। देखिए हमारा बिल्कुल फाइन पेस्ट, फाइन बिल्कुल हमारा हो गया है चॉकलेट के लिए बिस्किट। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और इसमें अब 1 कप दूध लेके थोड़ा थोड़ा मिला के मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस बैटर को अच्छे से स्मूथली बिल्कुल कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा बैटर कुछ इस तरह तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 इनो। इनो में से हम 1/2 चम्मच इनो लेंगे क्योंकि हमारा बैटर कम है। इसमें हम दूध ऐड करके दोबारा से मिक्स करेंगे। और इसको 15 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इतने हम गैस पर कुकर चढ़ाएंगे और इसमें पानी डाल के गर्म करने रखेंगे। इसमें हमने पानी डाल दिया है और पानी हमारा गर्म हो रहा है। इतने हम इडली स्टैंड में फॉइल पेपर लगा रहे हैं क्योंकि हमारे इडली स्टैंड में बीच में छेद है, इससे हमारा बैटर पास हो रहा था, निकल रहा था। इसलिए हमने इडली स्टैंड में फॉइल पेपर लगा के इसमें इडली, हमारे 15 मिनट होने के बाद हमने इसमें इडली बैटर डालना स्टार्ट किया। इडली बैटर डालने के बाद हम इसमें बीच में चॉकलेट रखेंगे। चॉकलेट रखने के बाद इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे इडली बैटर से। ये हमने कवर कर दिया है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, हो तो आप लगाएं वरना छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बादाम एंड किशमिश हमने इसमें ऐड किया। ये सब लगाने के बाद हमने सारी इडलियों को प्रेशर कुकर में पकने के लिए डाल दिया और 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसमें स्लो गैस पर पकाया, स्लो टू मीडियम टू स्लो। प्रेशर कुकर का विसिल हम निकाल देंगे। ओके, यहाँ हमारी इडली पक गई है। 5 मिनट बाद हमने कुकर खोला। अब इसको हम चेक करेंगे स्टिक से। देखिए स्टिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब हमारी इडली पक चुकी है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के बाद इडलियों को नाइफ़ की हेल्प से आराम से रिमूव करेंगे। हमारी इडलियाँ निकल चुकी हैं इसी सॉफ्ट तरीके से। देखिए हमने इसका सिल्वर फॉइल पेपर हटा दिया है, देखिए कितनी स्पॉन्जी है। चलिए प्लेटिंग करते हैं। देखिए हमारी इडली बिल्कुल स्मूथ स्पॉन्जी बनी है, बहुत और बहुत ही यम्मी बनती है। बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें, देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ज़रूर ट्राई करें बच्चों के लिए ये घर पे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन। बाय, टेक केयर।